जब एमएससी प्रीवियस के आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को इफेक्ट करने वाले कारकों में मेसोमेरी इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट और माइनस इंडक्टिव इफेक्ट का प्रभाव वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पर देखा था। यदि हम मेसोमेरी इफेक्ट की बात करें तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस मेसोमेरिक इफेक्ट वर्क अलोंग विद इंडक्टिव इफेक्ट एंड कैन नॉट बी इग्नोर, सो डैट कॉन्जुगेशन लोअर द एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ CO स्ट्रेचिंग वेदर द कॉन्जुगेशन इज ड्यू टू अल्फा बीटा कॉन्जुगेशन और ड्यू टू एरोमेटिक इफेक्ट। दिस मीन यदि किसी कंपाउंड में अल्फा बीटा अनसेचुरेशन हो या फिर एरोमेटिक रिंग हो तो इसके कारण वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वह इफेक्टिव होती है और CO वाइब्रेशन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पर इफेक्ट पड़ता है। यदि हम दो कंपाउंड लें, एक है कीटोन और एक है एसिटोफिनोन, यदि इन दो कंपाउंडों को हम आपस में कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे अनसेचुरेटेड स्थिति बढ़ती है उसमें दिए गए कंपाउंड की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी वह कम होती जाती है। यदि इसमें देखें तो इसमें एक अनसेचुरेटेड ग्रुप है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, जिसके कारण इसमें वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इसकी 1706 सेंटीमीटर इनवर्स है और इसमें एरोमेटिक ग्रुप होने के कारण इसमें 1, 2 और 3 अनसेचुरेटेड ग्रुप होने के कारण CO वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कीटोन की तुलना में और भी कम हो गई है और वह है 1693 सेंटीमीटर इनवर्स। यदि हम इसी तरह हम देखते हैं, यदि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो ये देखा जाता है वे आर द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एन एटम इन ए कॉन्जुगेशन विद द डबल बॉन्ड और ए ग्रुप से कार्बोनिक ग्रुप, द मोबिलिटी ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल, लेट्स अस कंपेयर द वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ अमाइड एंड एस्टर। एज इन अमाइड द नाइट्रोजन एटम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन एटम, सो डैट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एटम इन अमाइड इज मोर लेबाइल एंड participate more in conjugation than oxygen atom. Due to this greater degree of conjugation, the CO absorption frequency is much less in amide as compared to ester. इसी तरह हम दूसरा इफेक्ट है वह हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को इफेक्टिव करता है। हम जानते हैं स्ट्रोंगर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ग्रेटर द एब्जॉर्प्शन शिफ्ट टुवर्ड्स लोअर वाइब्रेशन लोअर वेव नंबर देन द नॉर्मल वैल्यू। द टू टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी इजली डिस्टिंग्विश इन इंफ्रारेड टेक्निक्स। जनरली इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड गिव राइज टू ब्रॉड बैंड वेयर बॉन्ड अराइज फॉर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड आर शार्प एज वेल एज well defined. Intermolecular hydrogen bonding are concentration dependent. हम ये देखते हैं कि यदि किसी दिए गए कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसके कारण वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है वह नॉर्मली 3650 सेंटीमीटर इनवर्स के कारण सेंटीमीटर इनवर्स होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण यह है 3350 सेंटीमीटर इनवर्स की तरफ शिफ्ट हो जाती है। यदि हम अल्कोहल की बात करें तो ये शार्प बैंड अपीयर्स 3650 सेंटीमीटर इनवर्स इन डाइल्यूट सॉल्यूशन ड्यू टू फ्री ओएच ग्रुप, व्हाइल ए ब्रॉड बैंड इज फाउंड 3350 सेंटीमीटर इनवर्स ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डेड ओएच ग्रुप। यदि OH ब्रोन में यदि वह फ्री है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जा रही तब उसमें
वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वह 3650 के करीब पाई जाती है। यदि OH ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भाग लेगा तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है ये 3350 सेंटीमीटर इनवर्स की तरफ शिफ्ट हो जाती है। एल्कोहल आर स्ट्रॉन्गली हाइड्रोजन बॉन्डेड इन कंसंट्रेशन फेज। दीज आर यूजली एसोसिएट एज डाइमर और पॉलीमर विच रिजल्ट इन ब्रॉड लोअर एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी इन वेपर स्टेज और इन इनर्ट सॉल्वेंट मोलिकुल एग्जिट ए फ्री स्टेट एंड एब्जॉर्प्शन स्ट्रॉन्गली एट 3650 सेंटीमीटर इनवर्स। यदि हम एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें तो इन दिस केस स्ट्रक्चर थर्ड इज हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड एंड रिजल्ट द लेंथिंग ऑफ द ओरिजिनल OH बॉन्ड। द इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम विच हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मोलिकुल इज अटैच बाय द ऑक्सीजन एटम फॉर एनी अदर मोलिकुल इट इजियर इट टू पुल हाइड्रोजन वे फ्रॉम द ऑक्सीजन एटम। दस स्मॉल एनर्जी विज रिक्वायर्ड टू स्टेच सच ए बॉन्ड OH एंड हैंस द एब्जॉर्प्शन अकर्स एज लोअर वाइब्रेशन वेव नंबर। यदि हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो यह देखा जाता है कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वह एक ही मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है, इसलिए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आल्सो रिमेनिंग अनइंफेक्टेड एंड ए रिजल्ट द एब्जॉर्प्शन बॉन्ड आल्सो रिमेनिंग अनइंफेक्टेड। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर ब्रोकन ऑन डाइल्यूशन एज and thus a result this is decreasing in OH absorption and the increasing in or the appearance of the free OH absorption। ये था हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। नमस्कार।